नमस्कार, मैं अमर शर्मा, स्वागत करता हूं आपका द भारत पोस्ट में। आप देख रहे हैं भारत की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। ये धमकी पुलिस को 112 कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। विदेश मंत्री के दौर के पहले ओली ने नक्शा विवाद को फिर से दी नई हवा। भारत नेपाल संबंधों में फिर से आ सकती है खटास। नॉर्थ पोल को पार कर भारत पहुंची जबाज महिलाओं की टीम, रचा अनूठा इतिहास। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, कोर्ट ने दिया बड़ा बयान, सरकार खुद होल्ड करे या फिर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी इस कानूनों पर रोक। भारत में जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से विवाद। गूगल पर दिखने लगे प्राइवेट ग्रुप और कोई भी सर्च कर ज्वाइन कर सकता है इन ग्रुप को। इमरजेंसी यूज की अनुमति मिलने के बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम की बैठक। इंडियन क्रिकेट टीम पर लगातार नस्लीय टिप्पणी, भारतीय खिलाड़ी बुमराह और सिराज पर टिप्पणी के बाद बीसीसीआई ने आईसीसी से की शिकायत। कप्तान कोहली ने ट्विटर पर जताई नाराजगी। हरियाणा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारी विरोध प्रदर्शन, मनोहर लाल खट्टर को रद्द करना पड़ा अपना कार्यक्रम। वहीं पुलिस ने किसानों पर बरसाई लाठी और आंसू गैस के गोले। कंगना रनौत की राजनीति में आने की सुर्खियां तेज, हो सकती हैं राजनीतिक पार्टी में शामिल, ट्विटर के माध्यम से दिया संकेत। तमाम बड़ी खबरों और सुर्खियों के लिए जुड़े रहें हमसे, देखते रहें द भारत पोस्ट। नमस्कार।